उमर कॉलोनी नज़्द आज़ाद हिंद स्कूल के पास सरकारी बोरवेल है जो तकरीबन एक महीने से बंद है। गर्मी का मौसम आ चुका है, पानी की किल्लत का होना आम बात है। सरकारी नलों से हफ्ता 10 दिन गुजरने पर पानी आता है जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे मौके पर यही सरकारी बोरवेल से लोग ज़रूरतें पूरी करते हैं। उमर कॉलोनी की कबाड़ी गली के लोगों के पानी का वाहिद सहारा ख़राब चल रहा है। आली जनाब ताहिर अली और गुलबर्गा शुमाल की MLA मोहतरमा कनीस फातिमा से नुमाइंदगी की गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि वर्कर्स को भेजकर जल्द दुरुस्ती का काम हल कर लिया जाएगा। ये महीने में ये उमर कॉलोनी आज़ादपुर रोड पर बोरिंग बहुत ख़राब हुई थी और पानी की बहुत तकलीफ हो रही थी और ताहिर को बोलने से जाको ताहिर सब आको क्या है सब इंतज़ाम करको बोरिंग चालू करे। अब 2 महीने से बंद थी बोरिंग, अब वो सब इंतज़ाम ताहिर करे। आगे का भी जो भी है सो उनको ताहिर को हम सुनाते हैं, ताहिर आको करना वो काम हमारा। जो भी छोटा मोटा हमारा काम हम ताहिर के ज़रिए से कराते हैं, कौन सा भी काम है सो उनके ज़रिए से बोरिंग बनी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह उमर कॉलोनी के लोग कुछ दिन पहले मुझे इस बोरवेल के ताल्लुक से कंप्लेंट दिए थे। मैं खुशनसीब हूँ जो महल्ले के लोग मेरे को खिदमत का मौका दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह खिदमत कर रहा हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में भी मेरे वार्ड में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। उसी के साथ मैं इस हलके के MLA कनीस फातिमा जी का भी मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे बोलने पर पूरे ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिए हैं कि भाई ताहिर का जो भी प्रॉब्लम्स आया तो पहले उसको अटेंड करो बोलकर कनीस फातिमा जी बोले हैं। मैं उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी तरह ये वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का भी मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी इंटरेस्ट लेकर काम करें।